जी दोस्तों, ज़ीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल की तरफों एक दफ़ा फिर एक नवे टॉपिक के नाल कि किस तरह तुम मिडल ईस्ट नूं बेस बना के तुम अमेरिका, कैनेडा या यूरोप के ईजीली लीगल वे ना एंटर हो सकते हैं। तो दूसरा एक बिजनेस आइडिया भी है उन लोगों लिए जेडे बंदे कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, जिस तरह के ब्रिकलेयर या तुसी प्लास्टर कह लो या फ्लोरिंग का काम जानते हैं, प्लस्टर या मिस्त्री जिन्हें भी है स्किल्ड परसन, उन्होंने वास्ते बड़ा स्ट्रोंग बिजनेस आइडिया वा। तो थोड़ा मैं दसूँगा कि तुम किस तरह दुबई के रह के अपना बिजनेस भी कर सकते हैं तो तुम वीज़े भी ईजीली बड़े मुल्कों के हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी जी तफसील ना मैं बनाऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो में पूरी देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर तो कमेंट करना तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करना। तो चलो जी अज्ज दी वीडियो की तरफ चलते हैं। अज मैं दो कंट्री एक्सक्यूज मी चूज़ किए हैं, एक हैगा यूएई तो दूसरा हैगा वा कतर। तो थानू थोड़ा जिहा मैं इहदा तारफ करवा देवा। यूएई जिहदा कैपिटल आबूधाबी आ, दरम चलता वा पाकिस्तानी 76 रुपीज़ का एक दरम, इंडियन 22 रुपीज़ का वा। इहदी आबादी अराउंड 10 मिलियन आ, 1 करोड़ के लगभग आ। तो दूसरा हैगा कतर, कतर का कैपिटल हैगा दोहा, इहदी आबादी तकरीबन 2.7 मिलियन 27 लाख। तो इत्थे रियाल चलता वा, जिहड़ा एक रियाल भी तकरीबन वेरी सिमिलर लाइक 76 रुपीज़ का पाकिस्तानी आ, 22 रुपीज़ का इंडियन आ। तो दोस्तों यूएई का जी डी पी जिहड़ा हैगा ना 510 बिलियन डॉलर आ, ठीक आ। तो कतर का जरा वा वो 267 मिलियन डॉलर आ। तो थोनों मैं ये कंस्ट्रक्शन की थोड़ा मैं दसदा कि 2023 के इन्होंने कितना बिजनेस किया यूएई ने भी, तो जरा सी कतर उन्हें भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरा यूएई ने जरा किया वो 39 बिलियन डॉलर का 2023 के इन्होंने ऐलान किया वा कि 2028 50 बिलियन तिकर लैके जाएंगे। तो अगर तुम इन कंपेयर करके देखो कतर के दे नाल, वो छोटा जहा कंट्री आ आबादी के लिहाज ना, तो उन्होंने जरा वा ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने ग्रो किया वा 7% किया वा, वो एवरी ईयर 7% करते आ। तो तकरीबन 27 मिलियन का 27 मिलियन का 2023 के वा, तो वो एवरी ईयर 7% इनू यानी कि ग्रो करते पे आ। इस करके मेरी वीडियो में जरा गौर न सुनना तो कि तुम किस तरह इन दोवें कंट्रियां दे विच जा सकते हैं, वीज़े के हसूल वास्ते भी या बिजनेस परपज़ वास्ते भी, वीज़े भी थोड़ा लग जाएंगे कोई मुश्किल नहीं गा। मैं सिर्फ थोड़ा दसना यह चाहना वा कि इन दोवें कंट्रियां दे विच जा के तुसी, अगर तुसी वीज़े का माइंड रखते हैं कि मैं अमेरिका, कैनेडा या यूरोप के सैट होना वा, लेकिन उत्थे थोड़ी थोड़ी देर स्टे करना पैना, स्टे करने वास्ते थोड़ा सर्वाइव चाहिए वा। ये पूरी तुसी टीम लैके जाओ, 2 या 3 या 4 बंदे जितने भी आ, क्योंकि तुसी अगर आज़ाद वीज़ा लेने ना इन्हों का दोवे कंट्रिया का तकरीबन 8 लाख रुपया पाकिस्तानी का वीज़ा वा। अगर 2-3 बंदे जेडे स्किल्ड आ उत्थे जाके कंपनी बना, मैं थोड़ा तरीका भी दसदा वा, बहुत ईजी आ। तो एक किस तरह बनाई जाती है स्टैप बाय स्टैप दसूँगा, थानू मैं आसान रस्ते भी दसूँगा, थानू मैं दसूँगा भी एक कंपनी की इंपोर्टेंस की आ वीज़े लगवाण दे विच भी पैसा कमाण दे विच भी। तुसी सोचते हो कि यार उत्थे कंपनी बनाना बहुत मुश्किल काम आ, असी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, अगर कोई पढ़िया लिखा नहीं आ बड़ा मुश्किल काम आ, असी काम किस तरह लवेंगे, बहुत ईजी आ, ये सिर्फ थोड़े दिमाग का वा। अगर तुसी जाके थोड़ी जी स्ट्रगल करो, बंदा बेवकूफ़ ना होवे, ठीक है, अनपढ़ होना कोई मुश्किल नहीं गा, बेवकूफ़ी नहीं करनी, थोड़ा मैं दसदा वा बहुत ईजी वे आ। ये कंपनी किन्ने च बन जाती है, तकरीबन 22 लाख रुपया पाकिस्तानी दे विच बन जाती, लेकिन मेक श्योर करो थोड़े को पूरी टीम होवे। ये 6 स्टैप आ कंपनी बनाने दे, 22 तो 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया मैं थोड़ा कह रहा, अगर तुम कंपनी लैट सपोज के तुम यूएई दे विच बनाने हैं, यूएई दे विचों तुम दुबई, आबूधाबी, शारजा, ये तीनों छड़ दो स्टेट्स नू, ये तो दूर जाके बनाओ, जिस तरह अजमान आ, रियासुल खैमा वा, उमल कुवीन आ, फजीरा वा, ये तुम जाके लाइसेंस ले लो, इतने रेंट भी चीप आ, अगर तुम ऑफिस लैने या कोई दुकान लैने बहुत चीप आ उत्थे,
बनिस्बत अगर तुम कंपेयर करते हैं दुबई के अबू धाबी या शारजा च, शारजा च ऑल राइट है। मैं 2006 के उत्थे गया बिजनेस के चक्कर के गया, लेकिन मेरे सरकमस्टेंस चेंज हो गए तो इस करके मैं आना पाया वापस इतने यूरोप के। एनी वे असी अपने मुद्दे की तरफ आने कि 22 लाख रुपए की बनती है। अगर तुम तीन या चार बंदे हैं 6-6, 7-7 लाख रुपया आता वा। ये 6 स्टैप है कंपनी बनाने के। सब तो पहला तुसी जिहड़ा बंदा ने कंपनी बनानी है वो बंदा जावे विजिट के उत्ते, विजिट के उत्ते बननी है कंपनी। दूसरा उत्थों फार्म लभ जाते तुसी किसे टाइपिस्ट के कोलों लै लो, जां उत्थे डिपार्टमेंट ऑफ इकनोमिक डिवेलपमेंट, वो डिपार्टमेंट का नाम होता DED, डिपार्टमेंट ऑफ इकनोमिक डिवेलपमेंट। उत्थों तुहानूं फार्म लभ जाणगे, मुकाबलात कहिंदे आ कंस्ट्रक्शन नूं ना, मेनटेनेंस कंपनी नूं मुकाबलात दे। तुसी वो लाइस फिल करने हैं, अगर तुसी नहीं फिल कर सकते किसी भी टाइपिस्ट नूं 50 दरम दिओ, वो थोड़ा फिल कर देगा। वो लैके तुसी DED दे विच जाओ, डिपार्टमेंट ऑफ इकनोमिक डिवेलपमेंट दे विच। उत्थे जाके तुसी उना को ट्रेड नेम पास करा लेना। दूसरा स्टैप है पहला फॉर्म फिल करना, फिर उही जाके उत्थों DED दे विच अपना ट्रेड नेम पास करवाना। तीसरा नंबर आ जाना अप्रूवल आती है गवर्नमेंट की। चौथा नंबर हुंदा वा कि कोऑपरेटिव जिहड़ा बैंक हुंदा ना उहदे विच तुसी अकाउंट खुलवाना हुंदा वा। चौथी तुसी अपनी टीम का दसना हुंदा कि मैं बिल्ड अ टीम, मैनूं इन्ने बंदे चाहिए आ। चौथा पंजवां छेवां नंबर हुंदा कि तुसी इहदियां फीसां जमा करवानियां वा, जिन्ने भी तुसी बंदे बुलाने उहदी थोड़ी थोड़ी फीस हुंदी आ उह तुसी करनी आ, ठीक आ। अरबाब किस तरह लभणा कंपनी का, थोड़ा मैं एक तरीका दसता। दूसरा तरीका यह होंगे वा कि तुसी किसी भी टाइपिस्ट में जाके मिल लो, ईजी वे आ। कोई चलती कंपनी हो जड़ा बंदा छड रहा हो, अगर फर्ज कर लो इतने 22 लाख रुपया लगता, वो थानू दिल करे 15 लाख से लभ जाए या इस तो भी चीप लभ जाए। अखबार तो देखो अगर पढ़ सकते हैं बहुत थानू चीप लभ जाएगी, या किसी टाइपिस्ट में कह दो थानू लभ देगा कंपनी, बहुत ईजी है उत्थे थानू अरबाब भी वो लभ देगा। उत्थे अरबाब कहिंदे आ दुबई दे विच कफील, जिदा सऊदी अरेबिया च ना, इत्थे कफील नूं अरबाब कहिंदे आ। तुहानूं तुसीं अरबाब वो देखना वा जिहड़ा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन दे विच इन होवे, ताकि तुहानूं ठेके दिंदा रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट लैके दिंदा रहे। ये 22 लाख रुपया जां 20 लाख जां 15 लाख कोई चीज़ नहीं गी, टू बी ऑनस्ट तुसीं 1 महीने च पूरा कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस की बिना कह रहा मैं। हाँ, तुसी ये लाइसेंस बनाओ, लाइसेंस तुसी जिथे भी बना लो UAE दे विच, ये पूरा UAE दे विच वैलिड आ, डजंट मैटर। लेकिन तुसी बनाओ दूर जाके ताकि थोड़ा चीप बने, क्योंकि रेंट बहुत चीप हुंदा दुकान दा, लेकिन वैलिड पूरे UAE दे विच आ। रही तुसी शारजा जाओ, दुबई जाओ, जिससे जिस तरह तुसी अफोर्ड कर सकते हो उस तरह रहो, या जिथे थोड़ा काम होवे उत्थे रहो। ये तरीकाकार है जी, यदा बहुत ईजी वे आ। तुसी टाइपिस्ट में मिलो, अगर थानू कुछ नहीं पता किसी भी टाइपिस्ट में जाके मिलो, थानू पूरा अरेंज कर देगा। 500 to 1000 दरम लेंदा वो, थानू अरबाब भी लभ देगा, थानू मैं कंपनी का भी दसता, बहुत ईजी वे आ कंपनी बनाना उत्थे, ठीक है। अच्छा, मैं हुण थानू कंपनी का क्यों दस किया वा, एक तो तुसी पैसे बहुत अच्छे अर्न करोगे, अच्छा दूसरा थानू मैं थोड़ा जिहा टैक्स का ते अरबाब का ते थोड़ा मैं परसेंटेज दस दिना शेयर दे। उत्थे अगर तुसी 375,000 दरम तो ज़्यादा का बिजनेस करते हैं एक साल के, फिर थानू 9% टैक्स देना पैंदा। अगर तुसी इस तो थले करते हैं कोई टैक्स नहीं गा। अरबाब जिहड़ा हुंदा ना उत्थे दा, उन्हें बैंक गरंटी देनी हुंदी है 200,000 दरम, 2 लख दरम। थोड़े को असी मिडल जिहड़े हैगे आ मिडल क्लास फैमिलियां दे नाल, उन्हां को इन्ने पैसे नहीं, खैर वो अरबाब थोड़ा दे देगा। वो 51% थानू वतनी चाहिए ही चाहिए उत्थे दा, लोकल परसन 51% वो दे देगा, 49% थानू कॉन्ट्रैक्ट भी लैके दूगा, भी जरा सोचो। अच्छा, ये मैं थानू क्यों कहा वा, अगर तो थोड़ा उत्थे बिजनेस बहुत सैट आ, यूरोप ये वो अमेरिका शहर, ठीक है तुसी विजिट करन जाओ सही आ, असल तो मसला है पैसे कमाना। अच्छा, लैट सपोज कि अगर तुसी इरादा ही कर लिया कि नहीं मैं जाना ही जाना वा, उहदे विच तुहानू फायदा यह होगा कि तुसी थोड़ी अपनी कंपनी होगी, तुसी अपनी जिहड़ी है ना पे कॉन्ट्रैक्ट तुसी आप बनाओगे कि यार मेरी तनख्वाह जिहड़ी है ना महीने की लैट सपोज के 8-9 हज़ार दरम होनी चाहिए आ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। NOC ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਆ, ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ NOC, ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਰਬਾਬ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰਬਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਬ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 8-9 ਲੱਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਬ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦੂਬ ਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੁਬਈ ਫਲਾਨਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਐਨੀਵੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।